महक। बहुत थक गई होगी ना तुम अपने किए का बोझ उठाते उठाते। चाची सॉरी। करुणा जी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ताकत लगेगी बेटा। जितने घटिया तुम लोग हो ना उतनी ही घटिया तुम्हारी महक। प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ वहाँ घूम रही है, केस फाइल कर रही है हमारे अगेंस्ट। करुणा जी इस मकार लड़की पे भरोसा मत कीजिए। अपनी दुलारी की तरफदारी करना बंद कीजिए। महक कितना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महक के लिए अब शौर्य नहीं पैसा और प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है। मैं किधर देखो मैं यहाँ हूँ। निकी आई थी घर पे, तूने क्या कोई प्रॉपर्टी का केस फाइल किया उस पे? निकी ने बोला कि किसी मिसेस एम खन्ना ने केस फाइल किया प्रॉपर्टी क्लेम का। उसके हिसाब से तो तू ही मिसेस एम खन्ना है। जब से करुणा आंटी को इस बात के बारे में पता चला है ना कि महक को शौर्य की फिक्र नहीं है सिर्फ प्रॉपर्टी की फिक्र है। जरूर किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल करके ये केस फाइल किया है। कौन हो सकता है ये, क्या हासिल करना चाहता है? भाई आवाज आ रही है मुझे। से सीधा दबा देंगे लखीमपुर। 10 घंटे लगेंगे, दारू लेकर रख लेना ध्यान से वरना मैडम चखने की जगह हमें चबाएगी। मुझे कुछ आवाज आ रही है, एक बार नजर मार ले क्या भाई? कैसा फटू है तू, क्राइम लाइन में काहे को आ गया? यहाँ नहीं बैठ सकती लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या करूं? ओए चलो कैमरा बंद करो, संभालने करो, मैडम आ रही है। ये मैडम भी ना चैन से खाने देती है ना सोने देती है। साथ जी 3-4 लोग थे, ब्रेड पकौड़ा समोसा चाय वगैरह देने आता था यहाँ। इन लोगों ने हमारे बेटी और दामाद को किडनैप किया है, जो कुछ भी जानते हो ना प्लीज याद करके बताओ। मैडम जी जो मैंने देखा था तो मैं आपको बता दिया। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। शिट आई विश लोगों का कोई सुराग मिल जाए। एक मिनट ओ भाई, ओ तू आंख बंद करके चाय बेचता है क्या? ओ कुछ तो देखा होगा तूने। नहीं सर कुछ तो देखा होगा इसने, ओ कोई तो बात होगी तेरे जहन में। यार कुछ तो बोल, कुछ तो बता भाई, कुछ तो याद होगा तेरे को। एक मिनट साहब जी। ये देखिए उन लोगों में से ये दोनों।
कौन है तू छोकरी और कहाँ से अटपकी? देखिए मैं खतरे में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। नाना अपने ये लफड़े लेकर कहीं और जा सही छोकरी, हमारी रोजी रोटी पर ग्रहण ना लगा। जा 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 जा, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई जा, सुनती क्यों नहीं है, जा। दरवाजा खोल, ओए खोल दरवाजा प्लीज। अरे कहाँ कहाँ चले आ रहे हो भैया, नाच शुरू होने में टाइम है अभी। यहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई है। अच्छा जी, आवाज आई और सलमान खान सरीके बॉडीगार्ड बनके चले आए हमें बचाने। चल हाँ। बड़ा आया, चल थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। और तू ये बता मामला क्या है लड़की? मेरे पति, सॉरी प्लीज होश में आओ, देखो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, प्लीज सॉरी प्लीज। देखो चाची चाचू राणा सर सब हमें ढूंढ, और साथ में पुलिस भी है। काश यहाँ कहीं कोई पुलिस स्टेशन होता या कोई फोन मिल जाता। माता रानी इस संकट से निकाल लेना आज हमको। ये लोग यहाँ पे, वो देख बोरी, पकड़ इसको पकड़। सॉरी प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी, होश में आओ सॉरी, वो लोग पीछे। अगर सॉरी ठीक होता तो मुझे किसी बात का डर नहीं होता। हाँ लेकिन माता रानी, अब आप मेरी और मेरे सॉरी की रक्षा करता। जल्दी भगा करें। तुम ऐसा ही करना है ना तो एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ भी करो पर तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। महक, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक हारे हुए मिडिल क्लास इंसान की तरह जीऊं? मैं अपना बिजनेस एम्पायर वापस लेके आऊंगा जो एम्पायर मैंने तुम्हारी वजह से खोया। तेरी जो दो बहनें हैं प्रज्ञा और बुलबुल, उनकी वजह से आज जो मेरा भाई जेल में है उसका हिसाब भी तुझे ही चुकाना पड़ेगा। अब देख देख ये संजू तेरे साथ क्या करता है। तुमने मुनि का एक्सप्रेशन देखे, वो किस नजरिए से अभी को देख रही थी? कहीं वो अभी को प्यार की नजरों से तो हो सकता है। मैं जानती थी यही होगा, मैं जानती थी वो अभी को लाइक करती है। पूरी दुनिया मुझे हीरो मानती है लेकिन मेरी हीरो तो तुम। सच बताओ तो तुम मेरी हिम्मत हो, मेरी इंस्पिरेशन। मां ऐसा मत कीजिए। ये आपने क्या किया मां, मेरी कुंडली में दोष है। नरेन बाबू के सर से सारी बलाएं हटाने के लिए ये तब एक आखिरी उपाय था। लगता है आपको नींद आ रही, मैं इस कमरे में अकेला ही सोता हूँ, आप भी यही सो जाइए। हमारा देवसु अमावस की अंधेरी रात में डूबता ही जा रहा है। मुझे उस अमावस की काली रात में एक जलता हुआ दिया दिख रहा है, एक ऐसा दिया जो अपने रोशनी से पूरे देवसु को रोशन कर दे। सही कहा तुमने देवी, अब नहीं, इस बार हाथ आई हुई बाजी मैं जाने नहीं दूंगा।
बाप रे, हे भगवान, मोटा बहन रोको उसे। तू शादी के कार्ड क्यों जला रही है? तेजस्वी क्या कर रही है तू? इस शादी में कोई नहीं आएगा। आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। नो थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाते? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। आंटी बाय। अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि